सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मियान मेरी टिप्स। आज मैं आपको कान्हा जी का सुंदर सा सिंहासन बना के बताने जा रही हूँ। कैसे आप बाजार जैसा सिंहासन घर पे ही रेडी कर सकती हैं, वो भी एक रुमाल की हेल्प से। इसके लिए मैंने एक गोल इस टाइप से दफ्ती का टुकड़ा लिया है, उसके ऊपर देखिए गोल्डन कलर की ये लेयर लगी है। इसी टाइप में मैंने इससे थोड़ा छोटा ये लिया है दूसरा टुकड़ा, इसको मैंने कंपास की हेल्प से इससे थोड़ा छोटा कट कर लिया है। इसको मैंने पहले ही कट करके रख लिया है। इसको आप इस तरीके से इससे थोड़ा सा छोटा कट करें। अब इसके ऊपर मैं इस कॉटन की लेयर को इसको फिक्स करने जा रही हूँ। इसको आपको इस तरीके से कॉटन की एक लेयर ले लेनी है और इसको इस तरीके से, क्योंकि सिंहासन हम बनाने जा रहे हैं तो सिंहासन हमें मुलायम और गुदगुदा उस टाइप से सिंहासन बनाना है, ना कि उस तरीके से कड़ा। ये देखिए, इसके लिए मैंने कॉटन का ये लेयर लिया है। इसको आपको इस तरीके से उस छोटे वाले टुकड़े के ऊपर ऐसे सेट कर देना है जैसे कि मैंने अभी सेट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आज रुमाल से आपको सिंहासन बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, इसीलिए देखिए मैंने ये रुमाल लिया है। इस तरीके से आप एक न्यू हैंकी का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से ये रुमाल को इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ उस तरीके से पहले हमने कॉटन की लेयर लगाई इसके ऊपर, उस दफ्ती के ऊपर, उसके ऊपर मैंने ये कॉटन का, उसके ऊपर ये रुमाल इस तरीके से मैंने गोलाई से लगा दिया। अब मैं इसको आपको स्टिच करना बताऊंगी कि इसको आप इस तरीके से पीछे, ये देखिए, इस तरीके से आपको सबको इस तरीके से पकड़ के चारों तरफ से ये कोनों कोनों को ले लेना है और उसको अच्छी तरीके से सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर देना है जैसे कि मैं स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको इन चारों तरफ के कोनों को लेकर ऐसे हल्के से स्टिच कर देना है ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, रुमाल अगर रेड कलर का हो या येलो कलर का हो तो बहुत ही सुंदर रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है ये पूजा के सामान के लिए इस टाइप से ही कलर के कपड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने आसन का एक भाग बना लिया है। इसके बाद में मैंने ये एक पतली सी ये तार लिया है। इस टाइप से आप इसको दो तार को इस तरीके से आपको मोड़ते हुए मिक्स कर लेना है। ये मोटी तार मेरे पास, इससे इसका वायर जो है इससे पतला था तो मुझे थोड़ा सा मोटा चाहिए था, इसीलिए मैंने इसमें दो तार मिक्स किए हैं। आप इस टाइप का वायर आपके पास अगर पहले से ही मोटा है तो आपको दो तार मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से आपको गोलाई से मोड़ते हुए दोनों तरफ फिक्स कर लेना है और आखिरी में सर्कल बना के मोड़ लेना है। फिर हम इसको कंपास की हेल्प से इसके दो बिल्कुल साइड में इसके दो होल करेंगे इस टाइप से। देखिए, बहुत आसानी से ये होल हो जाता है। इस टाइप से आपको होल कर लेना है। इसको होल करके आपको अलग साइड में रख देना है। उसके बाद में मैं ये एक नेट का, पुराना मेरा दुपट्टा था उसी का एक भाग में ले रही हूँ। ये देखिए,
ये दुपट्टे को एक टुकड़े को मैंने इसको ले लिया है। अब इसको मैंने इसका डबल लेयर इस तरीके से देखिए बना लिया है, और इसको बहुत ही आसानी से आपको चुटकियों में इस तरीके से लेते हुए फ्लावर के रूप में इसको लेते जाना है, लेकर इस टाइप से चुन्नटे समझ लीजिए बनाना है। जैसे फ्लावर की पत्तियों में चुन्नटे होती, उसी तरीके से समझ लीजिए हमको चारों तरफ ये पत्तियों की टाइप में इसके चारों तरफ ऐसे आपको एक एक कोना इसका लेते हुए इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है कि ऐसा लगे कि ये चारों तरफ से मिक्स हो गया। देखिए अंदर ऐसा लग रहा है कि फ्लावर है, और उसको मैंने स्टिच कर दिया है सुई धागे से। आप कोई रबर बैंड भी लगा सकती हैं। उसके बाद में ये जो दोनों होल हैं जो मैंने पहले अभी किया था, उसके अंदर इन तार को मैं सेट कर दूंगी। ये देखिए दोनों तरफ आपको ये होल अगर छोटा है तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कि आसानी से ये अंदर चला जाए। ये देखिए आराम से अंदर चला गया, और इस तरीके से हमारा ये सेट तैयार हो गया। अब उसके बाद में ये जो मैं आसन बना के रखा था, इसको इसके ऊपर इस तरीके से आपको फिक्स कर देना है। हॉट ग्लू गन की हेल्प से आपको फिक्स कर देना है, क्योंकि हॉट ग्लू गन से बहुत अच्छी तरीके से ये यहाँ फिक्स हो जाएगा और इधर उधर जाएगा भी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से एक ही जगह सेट हो जाएगा। ये देखिए इसको मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद में इसके चारों तरफ इस तरीके से आप पम पम से इसको थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं, थोड़ा डेकोरेट कर सकती हैं जैसे कि मैंने किया है। ये देखिए इस तरीके से कलरफुल मैंने लगा दिए हैं चारों तरफ पम पम। उसके बाद में मैंने देखिए ऊपर भी लेस, पतली सी एक लेस का लेयर मैंने लगा दिया है, और बीच में जो है ये फ्लावर लगाने से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। इसके लिए मेरे पास ये पैच वर्क था, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया है। उसके बाद कान्हा जी का जब सिंहासन बना रहे हैं तो मोरपंख लगा दें तो और भी सुंदर लगेगा, तब इस सिंहासन में चार चांद लग जाएंगे, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो तो इसको आप आसानी से इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स कर सकती हैं, जैसे कि मैंने फिक्स करके मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से। इसको पीछे आप या तो स्टिच कर दें या तो आप हॉट ग्लू गन से चिपका दें। इस तरह हमारा देखिए पूरा सिंहासन रेडी हो गया है। देखिए कितनी आसानी से आप घर पे ही बाजार जैसा सिंहासन बना सकती हैं अपनी कान्हा जी के लिए, वो भी कुछ मिनटों में ही। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस नवरात्रि में इस तरीके से आप कान्हा जी के लिए भी नया सिंहासन घर पे ही रेडी कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।